हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ। क्या कल के अवतार पर्टिकुलरली किसी एक धर्म के लोगों की रक्षा करने हेतु इस पृथ्वी पर आए हैं, या सर्व कल्याण हेतु वो पृथ्वी पर अवतरित हुए हैं? सबसे पहले इस बात का आंसर मुझे आप लोगों से चाहिए, क्योंकि मैं देख रही हूँ कल के अवतार के नाम पर अलग अलग धर्म के लोग अपने अपने धर्म का ही महत्व बताते हुए कि उनके धर्म से ही कल के अवतार होंगे, झगड़े उन्होंने शुरुआत उन्होंने इसकी कर दी है। क्या ज़रूरत है भगवान के नाम पर इस तरह धर्म की आड़ में झगड़ा करने की? क्योंकि कल के अवतार किसी एक धर्म की रक्षा करने के लिए नहीं, सबसे पहले जो लोग इस धर्म की आड़ लेकर कल की अवतार को बांटने की कोशिश कर रहे हैं, वो अपने दिमाग में सबसे पहले ये बिठा लें कि ईश्वर एक है और वो पूरे यूनिवर्स की रक्षा करने की जिम्मेदारी संभालता है। जब भी कोई अवतार होता है वो किसी धर्म को लेकर नहीं होता, किसी धर्म की रक्षा के लिए नहीं होता, बल्कि वो पूरे संसार की कल्याण हेतु जन्म लेता है। सबसे पहले एक बात ये जान लीजिए, चाहे वो हिंदू धर्म हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो और बुद्धिस्ट हो, चाहे कोई भी हो, जहाँ जहाँ पर भी जो भी आप जिनका भी नाम देखेंगे, किसी ने भी मानवता के नाम पर झूठा दिखावा नहीं किया है। चाहे वो आप पैगंबर को कह लीजिए, गुरु नानक जी, गौतम बुद्ध, हमारे जो अवतार हुए हैं विष्णु भगवान के, शंकर भगवान, चाहे आप जिनको भी कह लीजिए, सबने मानव कल्याण की रक्षा के लिए ही इस धरा पर इस संसार में अपने कार्यों को अंजाम तक पहुंचाया है। तो क्यों मानव आज कलयुग का धर्म की आड़ में कल की भगवान को भी बांटने के लिए झगड़े कर रहा है कि नहीं वो हमारे धर्म से होंगे, नहीं वो हमारे धर्म से होंगे? तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि धर्म की आड़ लेकर कल की भगवान को बदनाम यदि हम ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। कल की भगवान का एम सर्वप्रथम आप लोग अपने दिमाग में क्लियर कर लीजिए कि यूनिवर्स को चेंज करने के लिए, यानी यूनिवर्स की पूरी तरह से कायापलट करने के लिए ही, और एक सतयुग की स्थापना जिसमें सिर्फ हिंदू जाएंगे या सिर्फ सिख जाएंगे या सिर्फ ईसाई जाएंगे या सिर्फ मुस्लिम जाएंगे या बुद्धिस्ट जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी मानव जो कि भगवान के अकॉर्डिंग सही होगा वही सतयुग में जाएगा। कोई धर्म का झगड़ा सतयुग में होगा ही नहीं, और इसी धर्म के झगड़े को, इसकी जड़ को मिटाने को कल के अवतार का जन्म हुआ है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, तो अपने अपने धर्म की आड़ में अपने धर्म को ऊंचा दिखाना और दूसरे धर्म को नीचा दिखाना ये अच्छी बात नहीं है। और कल के अवतार को भी इसलिए धर्म का नाम लेकर अपने धर्म से जोड़कर कल की भगवान का भी नाम यदि कोई बदनाम करता है तो वह भी एक बहुत बड़ा पाप कर रहा है, पाप कर्म को अंजाम दे रहा है। क्योंकि पूरे यूनिवर्स की जो रक्षा करने के लिए आया है, जो प्राणी मात्र से प्रेम करता है, जो सभी को सुख पहुंचाने के लिए और दुष्टों का संहार करने के लिए, चाहे वो किसी भी धर्म में दुष्ट हो, हर धर्म में अच्छे लोग भी होते हैं और बुरे लोग भी होते हैं, लेकिन अपने ही धर्म को ऊंचा बताना और दूसरे के धर्म को नीचा दिखाना ये क्रियाकलाप बंद होना चाहिए। ऐसे कर्मों को बढ़ावा नहीं दिया जाना चाहिए, क्योंकि सतयुग की स्थापना तभी होगी जबकि कलयुग का खात्मा होगा, और कलयुग का खात्मा तभी होगा जबकि दुष्टों का संहार होगा। क्योंकि पापी, अधर्मी, लालची, स्वार्थी, कामी, क्रोधी, ये सब जितनी नेगेटिव एनर्जी वाले लोग हैं और ये जो नेगेटिविटी है, इन्हीं सब को रोक कर कलयुग में तब सतयुग की स्थापना होगी, खात्मा होगा इन सब चीज़ों का। इनके साथ तो सतयुग कहलाएगा ही नहीं,
जब वहाँ पर भी अपराध होंगे, जब वहाँ पर भी इस तरह से धर्म के नाम पर झगड़े फसाद होंगे, अलग अलग धर्म में जाति वर्ग में लोग बट जाएंगे, तो फिर सतयुग सतयुग कहाँ रहा? फिर तो वह कलयुग कहलाएगा, और ऐसा तो होगा नहीं। तो ये सबसे पहले क्लियर कीजिए, और धर्म के नाम पर कल के अवतार को बांटिए मत, क्योंकि कल के अवतार सभी के लिए हैं, प्राणी मात्र के लिए हैं, वो सभी के लिए वो अवतरित हुए हैं, और पूरे यूनिवर्स को, पूरे यूनिवर्स का ढांचा जो आज के कलयुगी मनुष्य बिगाड़ कर रख दिया उन्होंने, प्रकृति के साथ गंदा खेल खेला है, पूरी तरह से प्रकृति की रचना, जो संसार, जो यूनिवर्स, जो प्रकृति भगवान ने हमें सौंपी थी, आज कलयुगी मनुष्य ने उसे दुर्दशा की हालत में पहुंचा दिया है। तो इसी मदर नेचर की रक्षा करने हेतु और बिना झगड़ा फसाद के सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए, और सबको एकता के सूत्र में, यूनिटी वर्ड बिठा लीजिए, ये यूनिटी वर्ड ही अपने आप में बहुत महान है। तो एकता के सूत्र में मनुष्यता के धर्म की रक्षा करने के लिए, मानव धर्म भी कोई धर्म कहलाता है, जिस दिन आप लोग ये समझ जाएंगे उस दिन झगड़ा करना धर्म के नाम पर बंद करेंगे। तो मानव धर्म की रक्षा, सनातन धर्म की रक्षा, इस सृष्टि की रक्षा, और प्रकृति को एक नया रूप, पूरे यूनिवर्स को एक नया रूप, सुंदर रूप, सात्विक रूप और शांति प्रदान करने वाला रूप, ये करने के लिए कल्कि अवतार आ रहे हैं। ना कि आप लोग जो धर्म के नाम पर कल्कि अवतार को बांट रहे हैं कि वो मुस्लिम होगा, वो सिख होगा, वो ईसाई होगा, वो बुद्धिस्ट होगा, मत कीजिए ये सब। कल्कि अवतार को धर्म के नाम पर मत बांटिए, वो सभी के लिए अपने कार्य करेंगे, वो सभी के लिए मेहनत करेंगे, वो सभी के साथ जुड़ेंगे, सभी की भाषा बोलेंगे, सभी के मनोभाव को पहचानेंगे, सभी के कर्मों का हिसाब किताब देंगे। सिर्फ हिंदू धर्म के लिए वो नहीं आ रहे, बल्कि पूरी यूनिवर्स में जितने भी प्राणी हैं, पक्षी हैं, पशु हैं, जीव जंतु हैं, सारे प्लैनेट्स में जो लोग रहते हैं, जिन्हें हम लोग जानते भी नहीं हैं, सबके लिए कल्कि अवतार का जन्म हुआ है। उनका एम बहुत महान है, उनका वर्क करने का स्टाइल बहुत ही ज़्यादा गहरा है। उस गहराई को जो लोग समझेंगे वो लोग इन बेवकूफ़ी भरी बातों में नहीं पड़ेंगे। तो आप लोगों से, मेरे वीडियो के माध्यम से, मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि कल्कि अवतार को धर्म के नाम पर मत बांटिए। ईश्वर एक है और वो सभी की रक्षा करता है यदि उसे दिल से पुकारा जाए। रिस्पॉन्स ईश्वर करते हैं, चाहे आप किसी भी भाषा में कोई भी शब्द बोलकर उन्हें पुकारिए, आपके लिए रिस्पॉन्स उनकी तरफ से मिलता है। ये हम मानव हैं जिन्होंने धर्म का झगड़ा इस सृष्टि पर स्टार्ट किया और इसे ही एंड करने के लिए कल्कि अवतार आ चुके हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।